हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एसएससी विद अमित कुमार गुप्ता में। हम लोग आज वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 20 करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारा वर्ड हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सेशन 19 का है, और सेशन 19 का जितना वर्ड बच जाएगा उसके बाद वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो हमारा पार, PAR, मतलब इक्वल होता है, ये वर्ड रूट है, ठीक है। पेयर का मतलब भी होता है इक्वल, और पीयर का मतलब भी इक्वल होता है। सब वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड लिए है पैरिटी, PAR मतलब इक्वल, तो पैरिटी मतलब इक्वालिटी। तो इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं, किस तरह का इक्वालिटी। जैसे हमारा देश का जो कानून है वो सबके लिए इक्वल है, ठीक है। तो हमारा कानून में क्या है, पैरिटी है। जैसे कोई केस अगर किसी कोर्ट में चल रहा है और जज बिल्कुल सही तरीके से फैसला ले रहा है सभी सबूत को देख के, ठीक है, तो वहाँ पे वो कैसा फैसला रहेगा, पैरिटी का, पैरिटी जजमेंट रहेगी कि मतलब बिना भेदभाव के जजमेंट किया गया है, ठीक है। जस्टिस मिली है या ना मिली है, जस्टिस मतलब बिल्कुल जस्टिस किया गया है। तो पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। जैसे हमारे देश में सभी लोगों को डेमोक्रेसी होने के कारण सबको इक्वल हक मिला हुआ है, नॉर्मल पर सिटीजन्स को, तो पैरिटी है। डिसपैरिटी मतलब नॉट इक्वल। जैसे एक डिसपैरिटी का मतलब सिंपल नॉट इक्वल। यहाँ पे हम लोग इसको समझते और अच्छे से, जैसे कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर, ठीक है, इसमें कितना एज, क्या दोनों का एज इक्वल है, नहीं है, तो इनके एज की में क्या है, डिस्पैरिटी है, वो नॉट इक्वल है, ठीक है। और हम लोग डिस्पैरेजिंग दिखे, ये DIS मतलब ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, जिसमें बराबर जो ना हो। जैसे कि कोई टीचर है और कोई स्टूडेंट है, तो दोनों के नॉलेज में डिफरेंस है, तो क्या है, डिस्पैरिटी है। डिफरेंस है दोनों के नॉलेज में, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस भी होता है, ठीक है। और जो हम लोग डिस्पैरेजिंग पढ़े थे वो क्या था, कि किसी को नीचा दिखाना था, जो पहला सेशन 19 में देखे थे डिस्पैरेजिंग, ठीक है, वो नीचा दिखाना, डिफरेंस उस मतलब किसी को कम महत्व देना को डिस्पैरेजिंग कहते हैं, ठीक है। पेयर, पेयर का मतलब होता है इक्वल, तो इक्वल कैसा, अनदर इक्वल पार्ट, वैसा ही सिमिलर कोई भी चीज़ जो बिल्कुल बराबर हो, सो कहेंगे पेयर। और पीयर का मतलब होता है इक्वल, तो पीयर किस सेंस में इक्वल होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो मेरे कलीग्स जो रहेंगे, जो मेरे लेवल के स्टाफ रहेंगे किसी कंपनी के, तो हमारे पीयर रहेंगे, हमारे कलीग्स जो रहेंगे हमारे पीयर रहेंगे। हम किसी क्लास में पढ़ रहे तो हमारे क्लासमेट्स जो रहेंगे हमारे पीयर रहेंगे, हमारे एज ग्रुप्स के जो रहेंगे वो सब हमारे पीयर रहेंगे। तो पीयर मतलब अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द सेम एज ग्रुप पोजिशन एज समवन एल्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इक्विवोकेट, तो इक्विवोकेट कैसे बना है, एक्वस प्लस वॉक्स मतलब, और वो मतलब होता है वॉइस, ठीक है, ये दो वर्ड रूट से मिलकर बना हुआ है। इक्वी मतलब इक्वल, और ये वोकेट मतलब ये VOC जो है, ठीक है, VOC इस वर्ड रूट लेके बनाया गया, मतलब वाइस मतलब इक्वल वाइस। इसका मतलब बताया था कि किसी चीज़ को ऐसा बताना कि बिल्कुल अनक्लियर वे में किसी चीज़ को बोलना, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है, टू यूज़ अनक्लियर लैंग्वेज स्पेशली टू डिसीव और मिसलीड समवन। इसका मतलब आप लोग पहले जान गए थे, बस हम लोग वर्ड रूट देख रहे हैं कि ऐसा इसका वर्ड रूट क्या है, इक्वल वॉइस मतलब दोनों कंडीशन में एक ही तरह से वो बोल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अनइक्विवोकेट और अनइक्विवोकल। देखिए इक्विवोकल होता है नॉट क्लियर, और उसमें UN लग गया जो कि एक नेगेटिव प्रेफिक्स है, अन मतलब इन नॉट क्लियर में नॉट लग गया, मतलब वेरी क्लियर, स्ट्रांग एंड वेरी क्लियर इन मीनिंग। इक्विवोकल था जो बिल्कुल क्लियर नहीं था,
तो अनइक्विवोकल क्या होगा, जो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, इक्विवोकेट है वो एम्बिगुअस का बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू एम्बिगुअस। इक्विवोकेट मतलब कि आप क्लियर नहीं कर रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे वो हम पॉलिटिशियन को एग्जाम्पल दिए थे कि हाँ नाली बनवा देंगे, मगर उस जगह नाली बनाने में भी मुश्किल है, आवागमन में प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो जैसे क्या है कि वो हाँ भी बोल रहा है और ना भी बोल रहा है कि बनवा देंगे। बट एम्बिगुअस का मतलब वो नहीं होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है कि जिसका जिस वर्ड का डबल मीनिंग निकल जाए, डबल मीनिंग इन द सेंस में कि किसी बात को बोले कि अच्छा, देखिए एक तो सही लैंग्वेज में और एक गलत लैंग्वेज में। जैसे किसी को कोई किसी लड़की को कोई बोल दे हाँ बिल्कुल गोल गोल लग रही हो, ऐसे कुछ भी समथिंग, तो उसको अच्छे भाषा में भी ले सकती है और रॉन्ग लैंग्वेज में भी ले सकती है। तो एम्बिगुअस मतलब डबल मीनिंग होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंपेयर, COM जो है ये इसका मतलब होता है विथ और टुगेदर, ठीक है, विथ और टुगेदर। तो विथ टुगेदर और ये पार जो है मतलब क्या है कि इक्वल, ठीक है। तो कंपेयर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए दो चीज है, ठीक है, उसको हम लोग सामने ले आए और उस देखे कि क्या वो दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो इक्वल है, नहीं इक्वल है तो इक्वालिटी चेक करना, ठीक है, कि दोनों में कितना इक्वालिटी है। तो जैसे टू लुक एट टू, और देखिए कंपेयर का मतलब आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जान रहे होंगे, बट हम लोग इसको वर्ड रूट देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड रूट सीखने से क्या होगा कि आप नए वर्ड्स को कभी कभी देखिएगा ना, तो उसमें आप लोग उसका मीनिंग को थोड़ा गेस कर पाइएगा। हो सके बहुत बार SSC में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप उसी के हेल्प से कोई वर्ड को बना पाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू लुक एट टू और मोर थिंग्स क्लोजली इन ऑर्डर टू सी व्हाट इज सिमिलर और डिफरेंट अबाउट देम और इन ऑर्डर टू डिसाइड विच वन इज बेटर, ठीक है। अब देखिए एम्बिगुअस इज इक्वल टू होता है डबल इंटांडर, ठीक है, मतलब एम्बिगुअस और डबल इंटांड दोनों का मतलब सेम होता है और डबल मीनिंग, ये एम्बिगुअस मतलब डबल मीनिंग, ठीक है। तो एम्बिगुअस और इक्विवोकेट सेम नहीं होता है, एम्बिगुअस का मतलब डबल मीनिंग और इक्विवोकेट का मतलब होता है नॉट क्लियर। और इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो फिर बना के डालेंगे हम, इसमें और भी बचा हुआ जो वर्ड्स है उसको करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ना करें, मगर कम से कम लाइक ज़रूर से करें, तो इससे पता चलेगा कि हम अच्छे से समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे, ठीक है, थैंक यू।